देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। झुंझुनू के खेतरी कॉपर खदान हादसे को लेकर राहत और आहत कर देने वाली खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर खदान से बाहर निकाले गए एक अधिकारी की मौत हो गई है। हादसे में मौत के शिकार हुए उपेंद्र पांडे मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। वे कोलकाता आई विजिलेंस टीम के सदस्य थे। तमाम कोशिश के बावजूद पांडे को बचाया नहीं जा सका। वहीं राहत की बात यह है कि खदान में फंसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में खदान का निरीक्षण करने कोलकाता से आई विजिलेंस टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे मौत का शिकार हो गए। खदान में फंसे शेष सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। उनमें से तीन की हालत गंभीर होने के कारण उनको जयपुर के मणिपाल अस्पताल में रेफर किया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं उपेंद्र पांडे के शव को खेतड़ी के केसीसी अस्पताल ले जाया गया। झुंझुनू राजस्थान से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट। यह हादसा मंगलवार रात करीब 8:15 हुआ था। खदान का निरीक्षण कर पूरी टीम लिफ्ट से वापस ऊपर आ रही थी। इसी दौरान लिफ्ट की चेन टूट गई और वह नीचे जा गिरी। इससे उसमें सवार सभी लोग करीब 1875 फीट की गहराई पर फंस गए थे। करीब 16 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चार चरण में सभी को बाहर निकाला जा सका, लेकिन इस दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी की मौत हो गई। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत दल को सुबह 7:15 पहली सफलता मिली। पहले चरण में तीन लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल जयपुर के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद दूसरे चरण में 5 लोगों को निकाला गया। तीसरे चरण में 2 और लोगों को बाहर लाया गया। चौथे चरण में शेष बचे 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।